हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी बढ़ाने के बारे में। क्या इम्यूनिटी बढ़ाकर कई बीमारियों से बचा जा सकता है? इससे पहले इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बीमारियों की संख्या सर्दी के मौसम में ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में यदि व्यक्ति का इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। जानते हैं कुछ तरीकों के बारे में जिनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। नंबर एक, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नियमित रूप से योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करें। इनसे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सुधरेगा, साथ ही हृदय की कार्य क्षमता मजबूत होने से हृदय रोगों से बचाव संभव हो सकेगा। नंबर दो, सर्दी के मौसम में लहसुन भोजन का अहम घटक होता है। यह हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य खनिज तत्वों के होने से यह मौसमी बीमारियों से भी बचाव करता है। नंबर तीन, मौसमी फल और सब्जियों में मौसमी रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए रोजाना मौसम का एक फल जरूर खाएं, जैसे चीकू, संतरा, सेब आदि। सब्जियों में पालक, शकरकंद, चुकंदर, मेथी, मूली, आंवला आदि खाएं। नंबर चार, हफ्ते में एक बार पूरी बॉडी की सरसों, तिल, जैतून या नारियल तेल से मालिश करें। ध्यान रखें कि इस दौरान तेल थोड़ा गुनगुना होना चाहिए। बेहतर होगा कि यदि आप गुनगुनी धूप की किरणों में बैठकर मालिश करें। इससे स्किन के रोम छिद्र खुलने से इनकी सफाई होती है और बॉडी को ताजी हवा मिलती है। नंबर पाँच, भोजन में एंटीऑक्सीडेंट युक्त दालचीनी, अदरक, लौंग और काली मिर्च को खास तौर पर शामिल करें। ये बॉडी की सभी कोशिकाओं को शुद्ध करते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद विषैले तत्वों को बाहर निकालने के साथ ही ये बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने में मददगार होते हैं। नंबर छः, भोजन में प्रोटीन से भरपूर चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, खासकर दाल, दूध, दही, पनीर आदि। नंबर सात, रोजाना खाने के एक समय में सलाद खाने का नियम जरूर डालें। यह सलाद केवल सब्जियों का ही नहीं बल्कि आप फलों का सलाद व अंकुरित अनाज का सलाद भी खा सकते हैं। नंबर आठ, इस मौसम में आमतौर पर लोग पानी पीने से बचते हैं। ऐसे में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इससे बॉडी की सफाई नियमित रूप से होती रहेगी। नंबर नौ, अंजीर में पोटेशियम व एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है। इसे नियमित खाने से बॉडी में पीएच लेवल का स्तर बना रहेगा। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर भी होता है जो बीपी लेवल को कंट्रोल रखता है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है यदि कई बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ाएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिले। ईट हेल्दी, स्टे फिट, लिव हैप्पीली। बाय बाय।